हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल के बोर्ड का सिलेबस हम करेंगे आपके साथ। फिलहाल क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स चल रही है और आज बारी है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, यही लास्ट पार्ट है क्योंकि इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आ जाता है, वो केमिस्ट्री में 11th क्लास में हम किया करते थे। बोर एटॉमिक मॉडल देखो, अच्छा क्या है सीन बोर एटॉमिक मॉडल का। रदरफोर्ड के एटॉमिक, जो कोर्स में नहीं है रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता था कि यार इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी कोई रेडियस है आर, ठीक ऐसे ही कहता था। और न्यूक्लियस का कुछ चार्ज है जेड टाइम्स ई, ऐसा कुछ चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, और ये जो सेंट्रल जोन है, इस सेंट्रल जोन को रदरफोर्ड साहब ने न्यूक्लियस नाम दिया था। ये हिस्सा हम केमिस्ट्री के एटॉमिक मॉडल में करके आते हैं 11th क्लास में, इसलिए 12th में बोर्ड में नहीं पूछा जाता, तो बोर का हिस्सा पूछा जाता है, वही काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल साहब की है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। चार्ज जब एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन है तो एक तरह से एनर्जी का ही रेडिएशन, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप की एनर्जी ऊपर है तो वो एनर्जी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमता हुआ कोई भी पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सफर करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेलरेटेड होगा, और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा। तो इससे जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करा, तो जब यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होंगी तो धीरे धीरे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन स्लोली स्लोली घूमते 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 जंप करके दोबारा से न्यूक्लियस के अंदर जम कर जाएगा। और रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ही ये निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जबकि बाहर होता है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इस बात को बता रहे थे कि रदरफोर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है एटॉमिक मॉडल का उसमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने की जरूरत है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील बोर साहब आए, और बोर साहब ने क्या क्या बोला वो समझते हैं। नील्स बोर क्या कहते हैं वो देखो। नील बोर साहब कहते हैं कि फिजिक्स में जो क्लासिकल थ्योरी चल रही है वो ठीक नहीं है, इनसफिशिएंट है। छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पर वो क्लासिकल थ्योरी काम नहीं करती, उसके लिए क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल होगी। क्वांटम थ्योरी का मतलब एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी का कुछ वैल्यूज हो सकती है, सारी वैल्यूज अवेलेबल नहीं। मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इस तरह से स्पीड इज क्वांटाइज्ड, सारी स्पीड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता पार्टिकल, क्वांटाइजेशन अनसर्टेनिटी का रूल, इस तरह की कुछ चीजों को इन्होंने सपोर्ट किया। और यह कहा कि फॉर एटॉमिक स्पीशीज क्लासिकल लॉस न्यूटोनियन मैकेनिक्स बेसिकली आर नॉट करेक्ट, काम ही नहीं करते। वी हैव टू इंट्रोड्यूस some special
लॉज फॉर देम कॉल्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को डेवलप होने में जो शुरुआती लोग हैं उनमें से नील बोर साहब एक हैं जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया, हाइजेनबर्ग हैं, श्रोडिंगर हैं, प्लैंक साहब हैं, ऐसे बहुत अच्छे दूसरे मैक्स बॉर्न साहब हैं, कुछ अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनिशियल लेवल पे इस क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया। इस क्वांटम थ्योरी के हिसाब से नील बोर साहब ने क्या एक्सप्लेन किया और कैसे एटॉमिक मॉडल को समझाया, वो समझो। बोर एटॉमिक मॉडल, ये स्टोरी हम करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को कि हमें कुछ नए लॉज चाहिए, हम यहां से काम शुरू कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। साहब ये तो बिल्कुल बोर मॉडल जैसा, रदरफोर्ड मॉडल जैसा हो गया कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। विचार करो थोड़ा सा रुको, फिर इसमें और असम्पशंस आएंगे। अभी ये जो न्यूक्लियस है क्या है, यानी कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स इज कंडेंस्ड इन न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का जो साइज है ये तो रदरफोर्ड साहब ने ही बता दिया था कि फेमटोमीटर के ऑर्डर का होता है, 10^-15 मीटर का। दूसरी खास बात क्या है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स आप देख पा रहे हो, जो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, प्रोवाइडेड जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पर रहे, कीपिंग न्यूक्लियस एट सेंटर। जितने इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में घूमेंगे और न्यूक्लियस को सेंटर पे रखेंगे। लेकिन तुरंत आता है कि सर ये तो रदरफोर्ड में भी था, इनका नया क्या है? तो इन्होंने कुछ नया किया। क्या कहा? क्वांटम रूल लगाया और कहा कि कोई भी रेडियस अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रेडियाई अवेलेबल है, सम स्पेसिफिक रेडियाई आर अवेलेबल। कुछ स्पेसिफिक रेडियस अवेलेबल है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सम स्पेशल ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स को कहा गया नेम्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी कि रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि कोई भी सर्कल बना लो न्यूक्लियस के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। नील बोर साहब कह रहे हैं कि सर्कल में तो घूमेगा लेकिन सारे सर्कल अवेलेबल नहीं, कुछ स्पेसिफिक रेडियाई अवेलेबल है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि ये अपना न्यूक्लियस है और इनके चारों तरफ आपने एक सर्कल बनाया, ये रेडियस अवेलेबल, कुछ दूसरी रेडियस अवेलेबल, तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। पर ये जो जोन है जहां कोई रेडियस मैंने नहीं दिखाई है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, यहां इलेक्ट्रॉन्स का रहना अलाउड नहीं, तो इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, चाहे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अदर देन स्टेशनरी ऑर्बिट्स ऑल द स्पेस is forbidden for electron. इलेक्ट्रॉन के लिए बाकी सारा स्पेस forbidden है, वहां पर इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुरंत दिमाग में आएगा कि बात बताओ कि कौन सी रेडियस अवेलेबल है, और
अगर सच में रेडियस अवेलेबल है तो यार यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का रूल नहीं लग रहा कि यार सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन में है कि नहीं है, है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकाल रहा, और अगर निकालेगा तो दोबारा से सर्कल के सेंटर में नहीं घुस जाएगा? नहीं, इन्होंने कहा कि कुछ नए लॉज हैं, वो पुरानी क्लासिकल वेव थ्योरीज वो सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे काम नहीं करती, एटम पे काम नहीं करती, इनके लिए कुछ नए नियम है। और यही इन्होंने कहा कि देयर आर सम स्पेशल ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। और इसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा कि इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्कल बीइंग एक्सेलरेटेड स्टिल डू नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। स्टिल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन रेडिएट नहीं करते, यानी कुछ नया बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी तक रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा था कि कोई भी रेडियस अवेलेबल थी, यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कल में घूम सकता है, एक्सेलरेट हो सकता है। और वो जो क्लासिकल थ्योरी थी वेव की कि अगर सर्कल में घूमा पार्टिकल और एक्सेलरेट किया तो जैसे एक्सेलरेट करेगा वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा, ये सब तमाशा हो जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और वहां पर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ऐसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स आ जाते हैं जिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन नहीं निकालेगा, उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी और सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये लाइसेंस इलेक्ट्रॉन का कि एक्सेलरेट भी हो और स्टिल तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना निकालो, ये हर जगह उसके पास नहीं है, ये सिर्फ इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के पास ये लाइसेंस अवेलेबल है, बस इन पे। तो यही इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। तुरंत ही अगला जो सवाल आएगा वो इस बात पर आएगा कि यार ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का रोना रो रहे हैं सर कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है फिर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकाल रहा, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन सी हैं? ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स कौन सी है समझना। इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस इज एक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है एच बाई टू पाई, एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट और एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम है और एन का मतलब इंटीग्रल वैल्यू, n is nothing but integer, और integer में भी सारे integer नहीं, n की value natural numbers हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 and so on, जितनी भी orbits आ जाएं ये। और l का मतलब यहाँ पर angular momentum से, h by 2 pi is nothing but constant, और 2 pi तो constant है, h भी Planck constant। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी angular momentum h by 2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, h by 2 का इंटीग्रल मल्टीपल 1 h by 2 by 2 h by 2 by 3 h by 2 by 4 h by 2 by, जब भी कभी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आ जाएगी जिस लोकेशन पर ऐसा हो गया उस लोकेशन पर स्टेशनरी ऑर्बिट मिल जाएगी और वहां इलेक्ट्रॉन मस्ती से रह सकता होगा, स्टिल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकालेगा। और ये असम्पशन देने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में सर से रिलेटेड हैं और एटम्स सर से बैलेंस्ड हैं और स्टेबिलिटी भी बता दी। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें बोली, क्या बोली वो सुनो कि काम की बातें बताता हूं। इसके अलावा बोर साहब ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है, या अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में स्टेशनरी ऑर्बिट में जंप करके आए तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक। और कितनी एनर्जी रेडिएट करता है
उतनी ही एनर्जी रेडिएट करेगा जितनी एनर्जी का डिफरेंस दो एनर्जी स्टेट्स में होगा। मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन 5 से 3 वाले स्टेट में जंप करता है तो डिफरेंस कितने का आता है? 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर देगा, और वो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि फोटोन के फॉर्म में। तो क्या कहते हैं साहब? ये कहते हैं इफ एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट का मतलब वही स्टेशनरी ऑर्बिट, देन इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स। जितना दो एनर्जी स्टेट्स में एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी के बराबर की एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिट कर देगा, तब हायर से लोअर में जंप करके आएगा। ये इनके कुछ असम्पशंस हैं और यहीं से इनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टार्ट होती है। तो चलो मैथमेटिकल मॉडलिंग पर ध्यान देते हैं। ठीक, सुनो बेटा, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बोर्स मॉडल, बोर मॉडल की मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना है, छोटा सा है, कि बोर मॉडल जो भी है, इस बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होने वाली है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट्स होने वाली हैं, उन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करना। चलो देखो, छोटी सी चीज बोलता हूं आपको। मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है जहां z टाइम्स e चार्ज है, e मतलब प्रोटॉन का चार्ज, z मतलब प्रोटॉन्स का नंबर। अब साहब इसके चारों दिशाओं में एक इसको सेंटर मानते हुए सर्कल में हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसकी स्पीड मान लेते हैं vn, n का मतलब nth शेल में, nth ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन है, और तुम्हें दिखेगा कि तुम तुरंत ऐसे मिलाओगे इससे और कहोगे कि ये रेडियस है rn, nth ऑर्बिट की रेडियस। ये सर्कल में घूम रहा है, तो जवाब है हाँ। सर्कल में घूमते हुए क्या इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा? तो जवाब है हाँ लगेगा। अरे अगर सर्कल में घूम रहा है तो क्या इसे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में तो एक ही हो गए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम? लिखोगे 1/4πε0 q1 q2 ओवर r स्क्वायर। ze न्यूक्लियस का चार्ज, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं डालना है क्योंकि हम तो अट्रैक्शन पहले ही देख चुके हैं। और ये जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर ओवर r, और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बराबर होती, जिसकी वजह से तुम जानोगे कि 1/4πε0 ze स्क्वायर ओवर rn स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mvn स्क्वायर ओवर rn। ये बन गया दोनों का इक्वेटर। अब Rn से Rn कट जाएगा और तुम्हारे पास एक बढ़िया फॉर्मूला बनता है, और वो है 1/4πε0 ze स्क्वायर ओवर Rn इक्वल टू mvn स्क्वायर। यहां से अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी रेडियस के टर्म में है और रेडियस वेलोसिटी के टर्म में है, लेकिन इंडिपेंडेंट आंसर नहीं है। तो अगर तुम्हें इनकी वैल्यूज इंडिपेंडेंट चाहिए
तो तुम्हें चाहिए कोई और इक्वेशन जहां से इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सके। इनका एक असम्पशन है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh by 2 पाई होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1h by 2 पाई, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h by 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h by 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर तुम देखो बेटा तो तुम उसको लिखते हो mvr। मैं n n सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं कि nx शेल की बात हो रही है और कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें दिखाई देगा कि mv into r की वैल्यू जो है वो nh अपॉन 2 पाई निकल कर आती। अगर ये निकल कर आती तो यहां से बेटा आप r n की वैल्यू निकाल कर देखो। n की वैल्यू निकालोगे तो लिखोगे nh अपॉन 2 पाई, और आर एन निकाल रहे हो तो एम वी एन नीचे ले लोगे और फिर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो पहले वाले डब्बे में। इसे बोलो इक्वेशन वन और इसे बोलो इक्वेशन टू, और तुम कह दो कि पुटिंग आर एन फ्रॉम टू इन वन, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में आर एन डालने पर क्या मिला, देखो क्या मिलेगा, 1/4 pi epsilon naught z e square over r n लिखा हुआ है, r n ये लिखा हुआ है, n h whole divided by 2 pi m v n लिख दिया खत्म हो गया, equal to m v n square, ये हो गया। अब देखो बेटा pi से pi cancel होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, MVN ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है ZE square into MVN whole divided by, यहाँ पे बचा है बेटा आपके पास 2 epsilon naught N times H, और सामने क्या लिखा है बेटा MVN square, M से M बेटा कैंसिल हो जाएगा और VN से एक VN कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो VN की वैल्यू बच रही है वो बचेगी आपके लिए e square upon 2 epsilon naught h into z upon n, ये बच रहा है। और आपने आप देखिए कि velocity का एक independent function निकाल लिया, ऐसी value निकाल ली जिसमें z का मतलब atomic number, helium है कि hydrogen है कि lithium है, कौन सा है इसके बारे में बात करें। दूसरी खास बात क्या है कि किस शेल के बारे में बात कर रहे हो, फर्स्ट शेल में हो, सेकंड शेल में हो, थर्ड शेल में हो, फोर्थ शेल में हो, फिफ्थ शेल में, कहां हो उस पर डिपेंड करता है। बाकी e epsilon not h और 2 ये तो कांस्टेंट है, तो जब बेटा तुम्हें ये कांस्टेंट नजर आ रहे हैं तो तुरंत ही इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू बना लो और फिर वो से याद कर लो क्योंकि कभी बदलने वाला नहीं। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है c upon 137, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहलाता है, z upon n, ये बन गया आपका nth शेल में वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आप कहिए if z equal to 1, इसका मतलब हम हाइड्रोजन एटम की बातें कर रहे हैं, अगर n equal to 1 मतलब हम कौन सी शेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, तो nth शेल यानी फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो स्पीड बचती है वो c upon 137 meters per second बचती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब आए, कोई दिक्कत नहीं। एक खास बात और जो इसमें याद रखना है, वो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो z के प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन m के इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये कभी नहीं भूलना है। ये भूले तो दुनिया भूले, कुछ नहीं आया उसके बाद। अच्छा सर इसको बोला नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना, कभी ही नहीं भूलना। चलो आगे बढ़ते, चलो इसको यहीं रखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम निकाल चुके, इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को कहीं तो हम लोगों को कॉपी करना चाहिए। मैं नीचे कॉपी करता हूं वेलोसिटी के फॉर्मूले को, जो जो चीजें हमारे काम में आएंगी वो लिखते चलेंगे। तो हमने vn का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है e square upon 2 epsilon not h into z divided by n, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और रेडियस का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है, ये तो हम लिख लेते हैं यहीं पे बेटा। रेडियस का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है, अच्छा रेडियस तो भी निकाली नहीं, चलो वेलोसिटी भी है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं, आओ भाई खेलते हैं। हमारे पास वेलोसिटी n के फंक्शन में आ चुका है, अब हमें सिंपल वेलोसिटी चाहिए, सॉरी रेडियस चाहिए। तो देखो भाई m v r
इक्वल टू एच एम एच बाय टू पाई, यही तो है। तो अब यहां से रेडियस निकालने की बात आए तो हम लिखेंगे एम एच अपॉन टू पाई और उसके बाद वन अपॉन एम वी एन, ये रहेगा। अब इसे एम एच अपॉन टू पाई रहने दो, वन अपॉन एम रहने दो और वी एन की वैल्यू यहां से डाल दो। तो तुम यहां से वी एन की वैल्यू डालोगे तो क्या लिखोगे, गौर से देखो, ई स्क्वायर जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच टाइम्स एन। क्लियर है लीवर जवाब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप देखो 2 से 2 कैंसिल होता देखता है, इसके अलावा एच ऊपर जाएगा तो एन एच ऐसे ही रहा, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट एन एच फिर से ऊपर गए और नीचे जो बचा है वो है पाई एम ई स्क्वायर जेड और ये रहा आपका आर एन। जो आपका आर एन इसको थोड़ा सजा लो, सजाओगे तो कैसे लिखोगे गौर से देखना, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एन स्क्वायर में बाहर लिखना और फिर नीचे जो बच रहा है वो है पाई एम ई स्क्वायर और नीचे लिख दिया मैंने जेड। ये रहा आपका आर एन जो कि स्ट्रिक्टली हमारे जेड और एन की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें देखो ये जो फंक्शन लिखा है ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, तो फंक्शन है नहीं, बदलेगा ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, पाई एम ई सब कांस्टेंट। और अगर ये है कांस्टेंट तो आप तुरंत ये बात देख पाओगे कि जो आर एन की वैल्यू है उसकी वैल्यू सम कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब सम कांस्टेंट के इनटू एन स्क्वायर बाय जेड है, यानी रेडियस का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे और रेडियस का जो फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है 1 बाय जेड पे। ये डिपेंडेंसी आपको नहीं भूलनी है, फॉर्मूला भूल जाएं, ये डिपेंडेंसी नहीं भूलनी है आपको, यहीं से सवाल बनता है रेशियो से। अच्छा ये जो कांस्टेंट है इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती होगी, आप इसे सॉल्व करें और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड ये आपके लिए एंगस्ट्रॉम में आंसर आता है। वो जो कांस्टेंट लिखा हुआ उसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है और ये दिमाग में रखना है। रेडियस का आपके पास फंक्शन आ गया, कौन सा एटम है उसका एटॉमिक नंबर डालिए, कौन से शेल की रेडियस चाहिए एम की वैल्यू डालिए, आपके रेडियस की वैल्यू आ गई। इसी की बजाय अगर आप यहां पर Z की वैल्यू 1 डाल दें इसका मतलब आप हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं और फिर यहां से N की वैल्यू अगर आप 1 डाल दें इसका मतलब आप फर्स्ट शेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल की रेडियस जो निकल कर आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम निकल कर आएगी। डायरेक्टली ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक डेटा है, कभी बदलेगा नहीं, इसलिए ये चीजें याद ही कर ले तो बेहतर है। चलो आगे देखते हैं, हम लोगों ने रेडियस और वेलोसिटी निकाल ली, अब चर्चा करते हैं एनर्जी की। बच्चों एनर्जी की चर्चा करते हुए कुछ चीजें हमारे बहुत काम आने वाली हैं। अगर मैं एनर्जी की चर्चा करूं तो तीन तरह की एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को पीई लिख लेते हैं, तो सबसे पहले किससे शुरुआत करें, पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत करें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन rn। क्लियर दिख रहा है मेरे हिसाब से? हाँ दिख रहा है। माइनस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर ओवर rn, ये है बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। अभी रेडियस के टर्म में बाद में इसे खोलेंगे बदलेंगे सब करेंगे लेकिन फिलहाल रेडियस के डब्बे से ऐसे ही रखते हैं। नॉट अलाउड काइनेटिक एनर्जी, आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी एन स्क्वायर बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखो क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी एन इंटू वी एन ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला अवेलेबल है तो फिर यह सब करने की जरूरत नहीं, दिख तो रहा ही, डायरेक्टली लिख लो। देखो हाफ एम वी एन वो लिखा हुआ है, उसको जब तुम स्क्वायर करोगे तो देखो e की पावर 4 बन जाएगा बेटा और z का बन जाएगा स्क्वायर। नीचे देखो क्या बन रहा है, स्क्वायर करोगे 2 का 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर फिर h का स्क्वायर और फिर नीचे देखो तुम n का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी, ये बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से रेडियस के टर्म में काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास है। फिलहाल इस पर डब्बे में बंद नहीं करते, थोड़ा सा इसको सेटल कर लेते हैं।
जब सेटल करोगे इसे तो क्या लिखोगे, गौर से देखना, 1/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है एम ई रेस टू 4, और उसके बाद लिखा हुआ है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है, इसे भी डब्बे में बंद करो। तुमने अभी रेडियस भी निकाल लिया बेटा, देखो रेडियस का फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, रेडियस की वैल्यू जरा इस पोटेंशियल एनर्जी में डाल के देखो फंक्शन में, तो तुम्हें क्या मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी देखना, -1/4πε0ze2 में रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला तुम्हारे सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और उसके बाद एन स्क्वायर, और जो भी नीचे है वो ऊपर चला जाएगा जंप करके, तो ऊपर क्या जाएगा बेटा, पाई एम ई स्क्वायर टाइम्स जेड। देखो पाई से पाई बेटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना मेरी बात, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -1/4ε0²h², और फिर ऊपर बन रहा है बेटा जेड, जेड को तो अलग लिखना, ई की पावर 4m इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। ये रहा बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, याद रखना है आपको। अब तुम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को बहुत गौर से देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फंक्शंस दोनों बिल्कुल बराबर आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं। देखो m e स्क्वायर, m e की पावर 4, z स्क्वायर / n स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, 1/4, 1/8, इतना ही डिफरेंस है। तो आप जरा काइनेटिक एनर्जी के फंक्शन को एक बार दोबारा देखो, यहां लिखोगे तो लिखोगे 1/8, फिर यहां लिखा हुआ है m e की पावर 4, नीचे देखो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। फिर तुम पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन को एक बार देखो तो लिखा है -1/4 m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तुम इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर कर लोगे ना एक बार, तो ये कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशंस तुम्हें कुछ रिजल्ट देंगे, और वो ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की ठीक आधी है अगर निगेटिव कर दी जाए तो, मैग्नीट्यूड आता है। अच्छा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब चर्चा करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी को देखोगे तो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब तुम काइनेटिक और पोटेंशियल लिखोगे तो तुम लिखोगे 1/8 एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -1/4π4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर बेटा ई की पावर 4 इनटू एन था ही, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बन गया। इसे जब सॉल्व करोगे तो बनेगा -1/8 एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तुम अगर इस सिस्टम को बहुत गौर से देखो टोटल एनर्जी के फंक्शन को, तो टोटल एनर्जी का फंक्शन बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के फंक्शन जैसा है, बस इतना ही अंतर है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यूज में कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, टोटल एनर्जी नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। यानी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से इसे कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स टोटल एनर्जी के बराबर है। एक तो रिलेशन निकल के आता, बस नेगेटिव लगाने की देरी है, टोटल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से आधी है, दोनों नेगेटिव में ही है, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के ठीक आधी है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज निकल के आ गई, टोटल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, रेडियस की, और इससे पहले हम लोगों ने कहीं वेलोसिटी भी ऊपर निकाल रखा था, इसको ट्रैक करेंगे तो वेलोसिटी भी आएगी। एक लाइन से सारी डेरिवेशंस हैं, आपको एक लाइन से ही सारी डेरिवेशन याद होनी चाहिए। आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रिपेटल फोर्स के इक्वेट करें, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो लॉ है उसे लगा दीजिए कि वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन का लॉ लगा दीजिए। जब दो इक्वेशन मर्ज करेंगे तो आपको रेडियस और वेलोसिटी दो चीजें मिल जाएंगी। रेडियस और वेलोसिटी मिलते ही टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और पोटेंशियल और काइनेटिक मिलते ही दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। और ये रिलेशंस आपको याद रहने चाहिए, जितने डब्बे बंद हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप एक कंबाइन करिए, क्लब करिए, याद कर लीजिए, खेल कदम फैसा जाम। ये था आपका बोहर मॉडल और उनकी सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब करेंगे एनर्जी डायग्राम्स, जहां पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और ट्रांजिशन में क्या एनर्जी रिलीज होती है वो सीखेंगे।
फिलहाल मैथमेटिकल मॉडलिंग का केस खत्म होता है, अब यहाँ पर हम आते हैं अपने लेक्चर को खत्म करने की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, पूरे लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, हमें पूरे साल फॉलो करिए और आपको मिलेगा ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज पूरे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।